₹50 में मात्र मात्र भाई। ये वाली जीन्स जो इतनी वाइट लग रही है वैसे वीडियो में तो, पर लेकिन थोड़ी बहुत गंदी है, पर लेकिन मात्र रुपए में भाई, मात्र ₹50 में मेरे को एक ये जीन्स। Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? मैं चीनू और आप देख रहे हैं चीनू के ब्लॉग्स। तो भाई गर्मी बहुत हो रही है भाई, कुछ भी कह लो, मेरे चेहरे पे पसीने, एक तो बाल आगे करके रख तो देखो सारा पसीना। धूप तो देखो भाई डेली आती है, पर लेकिन आज है ना बहुत तगड़ी धूप आई है भाई। दिमाग यार फाइनली मैं अभी नेट ही चलाने जा रहा था, बट लेकिन यार उन्होंने तो नेट बंद कर दिया, कह रहे तू मेहनत कर, मेहनत ही कर रहा। देख लो भाई 2 महीने हो गए डेली व्लॉग के लिए, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, वरना 2 महीने करना चाहता तो 100 लोग तो डेली देखते भाई, 10-20 लोग देखते डेली व्लॉग भाई, ना दिमाग ख़राब होता है, पर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मेहनत करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले मेरे को 2 घंटे कुछ हो चुके थे, मेरे को एक वाईफाई मिला था तो मैं उसी वाईफाई पे बैठ गया था, और 2 घंटे मैं करीबन बैठा ही रहा था वाईफाई पे, और वाईफाई पे के बैठने के बाद अब सीधा चलते हैं घर। यार फाइनली मैं घर पे आया था, और घर पे आते ही मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, मेरे दोस्त की है ना पैंट के शोरूम है, तो है ना जब भी उसका माल आता है ना सारा का सारा, तो माल आता है पहले थोड़ा बहुत महला होता है क्योंकि दूर से आता है माल, उसके पापा वापा मंगाते हैं। मत करियो तू, सिर्फ ड्राई क्लीन करवा लियो, ड्राई क्लीन का मैं भैया से बात कर लूँगा, तो उसने मेरे को है ना अभी एक जीन्स दिया है। दूर दूर से आते ना तो भाई गंदी होती है वो ज़्यादातर, देखो पैरों की तरफ से, और वैसे तो देखो इधर भी एक दाग लग रहा है, ये वाला दाग, ये दाग लग रहा है, और बाकी की साइड पर देखो भाई पैंट कैसी है। और भाई करीबन ये पैंट देखो कितनी मस्त लग रही है, देखो ये देखो वाइट कलर में, और मेरे पास वाइट पैंट थी भी नहीं तो भाई मैंने इसलिए वाइट पैंट ले भी ली, और सिर्फ मात्र ₹50 में मेरे को वाइट पैंट मिली है, और भाई फुल ओके लग रही है पैंट, क्योंकि मेरे पे देखो अगर इस पर मैं ब्लैक शर्ट पहनूँगा, कुछ भी ऑरेंज कलर की शर्ट, ग्रीन तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत टिकटॉकर वाला सिस्टम लगेगा, पर लेकिन यार ये बात है कि जीन्स मेरे को बढ़िया लगी, ड्रैकलिंग करवा लूँ मस्त से, बस ड्रैकलिंग के कितने लगेंगे 100-150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा भाई, मस्त मेरे लिए एक जीन्स का जुगाड़ हो गया आज, और ₹50 में मात्र मात्र भाई। ये वाली जीन्स जो इतनी वाइट लग रही है वैसे वीडियो में तो, पर लेकिन थोड़ी बहुत गंदी है, पर लेकिन मात्र रुपये में भाई, मात्र ₹50 में मेरे को एक ये जीन्स मिल गई, मेरे को तो भाई मोजे लग गए मस्त। देखो जीन्स भी अच्छी है, ये देखो जीन्स भी बढ़िया भाई, कोई कहेगा नहीं भाई जीन्स ख़राब है, मस्त है, बस थोड़ी बहुत गंदी हो रखी है, पहले धुलवाऊंगा घर में मम्मी से, फिर सीधा ड्रैकलिंग के लिए ले जाऊंगा। जब अपन ड्रैकलिंग करवाने के लिए जाएंगे ना रघुवीर नगर, मतलब जिधर मैं बता रहा था मेन काम होता है, ड्रैकलिंग भी देखो उधर ही होगी, तो ड्रैकलिंग करवाने के टाइम पे भी आपको भाई वीडियो में दिखेगा जो भी होगा, ड्रैकलिंग के लिए चलेंगे, और मस्त अगर पैसे बने जेब में तो कुछ खाएंगे पियेंगे, और फेमस एक गोलगप्पे वाला दिखाऊंगा, जिसके बाद बहुत भीड़ लगी रहती है, तो उस गोलगप्पे के पास गोलगप्पे भी खाएंगे, मतलब उस बंदे के पास गोलगप्पे भी खाएंगे भाई। यार गोलगप्पे तो खाते रहेंगे जब तक अपन पहले खाना खाते, और खाने में क्या बना ये दिखाता हूं मैं। 2 दिन से 2 आलू की सब्जी पड़ी थी ना, तो मम्मी ने वही गरम करके मिक्स करके, और साथ ही साथ भाई फुल बढ़िया से चावल बना दिए, तो चावल और मस्त आलू की सब्जी खाएंगे। देखो तरी वाली लग रही है ना, पर लेकिन ये गाढ़ी सब्जी है एकदम, ये देखो और भाई खुशबू ऐसी आ रही है जैसे मैं मैगी मसाला डाला हुआ, पर मैं इसमें मसाला ज़्यादा डाले तो इसकी वजह से और मस्त लग रही है, तो भाई मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, अभी बोला नहीं जा रहा, तो पहले खाना खाता हूँ फिर बोलता हूँ। मैंने मस्त अभी खाना खा लिया, आलू की सब्जी और चावल, और भाई आलू की सब्जी चावल खाने के बाद तो भाई कल फ्रूटी बट रही थी, तो फ्रूटी के साथ ये भी बट रही थी, तो भाई ये ले आया था कल, मैंने सीधा फ्रिज में रख दी, और साथ ही साथ मैंने पी भी नहीं थी इसे, तो मैंने सीधा रख दी थी, तो अभी याद आया मैंने खाना खाया ना, तो मेरे दिमाग में आया भागता हुआ, मैं कहा यार फ्रूटी भी थी, तो फ्रूटी तो मम्मी ने ले ली, जीरा मैंने ले लिया, मैं कहा मम्मी कह रही नहीं फ्रूटी, और ये अभी बहुत ठंडी है तो इसको अभी थोड़ा रुक के पीऊँगा आराम से, फिर जाके पियेंगे। गाइस यार 2 दिन से है ना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, इतनी आ रही है बस पूछो मत, और भाई क्योंकि नींद भी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बीच में ना नाइट आउट गया था, शनि गुरुद्वारे होकर आते हैं, मथा टेक कर आते हैं, तो भाई उधर गए थे, खराब हो रहा है क्योंकि 2 दिन से नींद इसलिए नहीं आ रही भाई, 9 बजे ये सुबह सुबह उठ जाते हैं, जब मैं 12 बजे उठ के अपनी नींद पूरी करता हूँ, सुबह सोना पड़ेगा, ले दोपहर में इतनी तेज़ नींद आती है जैसे मेरे को अभी आ रही है, तो अब मैं सीधा यार सो ही जाऊँगा, 2 दिन से नींद भी आ रही है तो मैं सीधा सो जाऊँगा। सो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।